सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू ड्रिंकिंग वीडियो और आज हम लोग बियर और ब्रेजर ट्राई करेंगे। हाँ भाई, एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मुझसे कि भाई ब्रेजर अच्छा है या बियर अच्छा है, क्या डिफरेंस है बियर में ब्रेजर में, ब्रेजर में फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ तो ब्रेजर पीना चाहिए या बियर पीना चाहिए। तो भाई बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसा है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि बियर और ब्रेजर सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बहुत अलग है। और क्या क्या अलग है इस वीडियो के अंत तक मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत एडुकेशनल होने जा रहा है और मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। तो उसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लेट्स गो। सो भाई, हमारे एक साइड पे है बडवाइजर मैग्नम जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियर है, दूसरे साइड पे है ब्रेजर कैनबेरी फ्लेवर का, कैनबेरी फ्लेवर ब्रेजर, ठीक है भाई। तो देख सकते हो, देखने में काफ़ी डिफरेंसेस लग रहा है। वैसे बियर का भी ऐसा बोतल होता है 350 ml का, ये 350 ml का बोतल है और बियर का भी तुम्हें 350 ml मिल जाएगा। लेकिन क्या क्या डिफरेंस है भाई, सबसे पहला डिफरेंस इसमें फ्लेवर्स का नहीं आता, सबसे बड़ा, ठीक है। ब्रेजर बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स। ये कैनबेरी फ्लेवर का है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, फिर लाइम, बहुत सारे और फ्लेवर्स का मिल जाएंगे। बियर तुम्हें कोई फ्लेवर्स का नहीं मिलेंगे, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगे। जैसे ये बडवाइजर मैग्नम है तो तुम्हें नॉर्मल बडवाइजर मिल जाएंगे, फिर कॉसबर्ग, फिर किंग फिशर हो गया, फिर कोरोना हो गया। जितना कॉस्टली बियर तुम खरीदोगे उतना अच्छा टेस्ट होगा उसका, ठीक है। क्वालिटी हैज़ अ प्राइस, बियर में वो पूरा लागू होता है कि जितना अच्छा प्राइस तुम पे करोगे उतना अच्छा तुम्हें मिलेगा। फिलहाल अभी जो प्राइस है इन दोनों का मैं वो कह देता हूँ, ये 110 rupees का है वेस्ट बंगाल में ब्रेजर 330 ml, ठीक है, और ये 500 ml का है 140 rupees कैन में। इसका बोतल भी मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग बियर है, ये 8% अल्कोहल है इसमें, 8%, इसमें 4% सिर्फ। और ब्रेजर में, सब ब्रेजर में, सिर्फ ये वाला नहीं, सारे के सारे ब्रेजर में तुम्हें 4% अल्कोहल ही मिलेंगे। जहाँ पे बियर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर है तो ये 8% का है, इसका एक रेड कलर का आता है वो सिर्फ 4%, तो उसे सॉफ्ट बियर या नॉर्मल बियर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ कुछ बियर होता है जो 11% and 12% का भी होता है। तो बियर बहुत सारे तुम्हें मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर, सॉफ्ट बियर, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट नहीं होता ब्रेजर में। ब्रेजर सिर्फ 4% अल्कोहल ही होता है हर ब्रेजर में। तो डिफरेंस यही था, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस, और टेस्ट में कितना डिफरेंस है वो पोर करने के बाद मैं बताता हूँ, लेट्स गो। सो भाई, दोनों को ही हम लोग बियर ग्लास में ही पोर करेंगे, बियर ग्लास में ही लोग पीते हैं और अच्छा भी लगता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी अलग है। तो विस्की जैसा नहीं है, विस्की जैसे शॉर्ट ग्लास में हम लोग लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पैक बनाते हैं, इसमें वो कुछ भी सिस्टम नहीं है, 30 का पैक बना लिया है, 60 का पैक बना लिया है। ये ओपन करो, एक बियर ग्लास लो, जो भी तुम्हारा मन होता है इतना फिलअप करोगे तो इतना, नहीं तो इतना, जितना तुम्हारा मन होता है। पहले हम लोग बडवाइजर को ओपन करेंगे, बियर को, उसके बाद ब्रेजर। देख, बडवाइजर मैग्नम और ब्रेजर कैनबेरी, इसके लिए ओपनर लगेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, इसमें ज़्यादा फोम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोम है और कलर भी काफ़ी अलग अलग है। ये रेड कलर का है, फ्लेवर्स कलर का है, कैनबेरी फ्लेवर का है। और बियर तो भाई हर एक बियर का सेम कलर होता है, सिर्फ जो क्वालिटी बियर होता है, जो जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जो गुड क्वालिटी होता है, वो थोड़ा लाइट कलर का होता है। जैसे कि तुम देख सकते हो इसका कलर काफ़ी लाइट है। तुम अगर कोई कम दामी वाला, जैसे 100 rupees वाला बियर तुम्हें मिल जाएगा, बहुत कम दामी बड़ा बोतल मिल जाता है 100 rupees में, तो उसका कलर देखोगे तो बहुत डार्क तुम देख सकोगे कि बहुत डार्क है, ये काफ़ी लाइट कलर है। टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस होगा, पहले टेस्ट करते हैं उसके बाद बोलते हैं। तो पहले कैनबेरी, चीयर्स। ओ भाई,
इसके ऊपर भी हम लोग ने वीडियो बनाया है भाई, कमाल का है, कमाल का लगता है। फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहे हो, अगर दारू फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, कोई भी चीज़ें तुम मतलब अल्कोहल अगर ट्राई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मैं कहूँगा भाई हमेशा ब्रेजर में ही जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अल्कोहल एक अलग टेस्ट आता है भाई, बहुत गंदा टेस्ट होता है, ठीक है, वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे फर्स्ट टाइम। इसलिए ब्रेजर से शुरू करो, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे आराम से। मेरे शर्ट के साथ भी मैच हो जाएगा, कमाल का है, देखने में भी कमाल का लगता है, टेस्ट भी कमाल का है, एकदम फ्रूट का ही सेंटर है। बियर ऑन द अदर हैंड भाई, ये स्ट्रांग बियर है, तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि काफ़ी इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि 8% अल्कोहल इसमें। भाई मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से पी रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम पी रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ये पीने के बाद तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें कोई फ्लेवर्स नहीं है, ये एकदम जो होता है ना बियर, रॉ बियर, वो लोगों को पसंद आता है भाई, लड़कों को बहुत पसंद आता है जो एक्चुअली अल्कोहल पीते हैं, वो लोग बीजन नहीं ट्राई करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम के लिए है, या किसी हाउस पार्टी के लिए तुम कर रहे हो कि या थोड़ा हल्का हल्का नशा हो, तो ब्रेजर बेस्ट है। लेकिन बियर भाई मर्दों वाला ड्रिंक है भाई, ये बहुत पुराना है, ब्रेजर तो अभी अभी मार्केट में आया, लेकिन बियर भाई मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और मैं तो बोलूँगा कि भाई मुझे बियर बहुत पसंद है, स्पेशली इस समर सीजन में भाई, क्या मज़ा है, ठंडा ठंडा बियर, गर्म ऐसे धूप से घर लौटे, एक ठंडा बियर ओपन किया, आय हाय मज़ा ही मज़ा भाई। हम लोग आज रेट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है, दोनों अपने अपने जगह में बेस्ट है। क्योंकि लोग इतना पूछ रहे थे कि भाई बियर और ब्रेजर में क्या डिफरेंस है बताओ, तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया, ठीक है, कोई ऐसा फाइट के नहीं कि बियर अच्छा है ब्रेजर खराब है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, ये स्पेशली ये बताने के लिए है कि दोनों बहुत अलग है और दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छा है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं अभी भी कहूँगा, जस्ट बिकॉज कि टेस्ट अजीब लग सकता है बियर में, तो ब्रेजर ट्राई करो, बस इतना ही। सो भाई आज के लिए इतना था, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम में ज़रूर बताना कि ब्रेजर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है या बियर। आई होप इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा तुम्हारा दिमाग में कि क्या कैसा है, बियर सेम है या बियर और ब्रेजर सेम है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अपने अपने जगह में, सब अपने अपने बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बियर मत ट्राई करो, क्योंकि उसमें अल्कोहल थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, जबकि ब्रेजर में क्योंकि फ्लेवर्स रहता है तो तुम समझ नहीं पाओगे, ड्यू टू फ्लेवर्स का सेंट आएगा, टेस्ट आएगा, तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।